मुरैना से कांग्रेस विधायक राकेश मावई को बीती रात जान से मारने की कोशिश की गई। दरअसल मावई की कार में कट मार कर एक बदमाश ने उन्हें पुल के नीचे गिराने का प्रयास किया गया। इतना ही नहीं, आरोपी ने विधायक को देर रात फोन पर टेरर टैक्स मांगते हुए जान से मारने की धमकी दी है। यह घटना मुरैना के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में स्थित नेशनल हाईवे 44 फ्लाईओवर की है। पुलिस ने विधायक की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया है और उसकी गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए हैं। आरोपी टिकरी गांव का सरपंच का भाई बताया गया है। मुरैना विधायक राकेश मावई ने गुरुवार दोपहर सिविल लाइन थाने में पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई है। कार चालक ने अपना नाम जवान सिंह कंसाना बताते हुए कहा कि वह टिकरी गांव के सरपंच पुरुषोत्तम कंसाना का छोटा भाई है। इसके बाद उसने सरपंच से फोन पर बात की और कार्रवाई की। सरपंच ने अपने भाई की गलती मानते हुए माफी मांगी। इसके बाद वे अपने घर आ गए। विधायक मावई ने पुलिस को बताया कि घटना देर रात 11:30 बजे के आसपास की है, जब वे अपने चाचा के साथ होटल में खाना खाकर बानमोर जा रहे थे। कार में गनमैन व अन्य लोग भी थे। वे कार से नेशनल हाईवे पर ओवरब्रिज से गुजर रहे थे, तभी तेज रफ्तार से आई स्कॉर्पियो कार के चालक ने ओवरटेक करते हुए उनकी कार में कट मार दी। चालक ने बड़ी मुश्किल से कार को नियंत्रित किया और नीचे गिरने से बचा लिया। इसके बाद उन्होंने उक्त कार का पीछा करते हुए आगे जाकर रुकवा लिया। माफीनामे के बाद कांग्रेस विधायक अपने घर आ गए। इसके बाद रात करीब 2:30 बजे उनके फोन की घंटी बजी। उन्होंने फोन उठाया तो सामने वाले ने अपना नाम जवान सिंह कंसाना बताते हुए कहा कि वह मैं वही है जिसने तुम्हारी कार में टक्कर मारी है, अगर तुझे जिंदा रहना है तो मुझे पैसे भिजवा दीजिए। उन्होंने विरोध किया तो उसने गालियां दी। सिविल लाइन थाना पुलिस ने विधायक की रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया।